जनपद रुद्रप्रयाग के चौका गांव को अगस्त्य मुनि नगर से जोड़ने के लिए मंदाकिनी नदी पर ट्रॉली निर्माण कर रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी, केदारनाथ विधायक शैला रानी रावत और जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेश शाह संयुक्त रूप से भूमि पूजन के साथ शिलान्यास किया गया। आपको बता दें, जिला योजना से स्वीकृत 25 लाख की लागत से बनने वाली इस ट्रॉली का निर्माण लोक निर्माण विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा किया जाएगा। आगामी मार्च 2023 में बनकर तैयार होने की उम्मीद है। इस ट्रॉली के लगने से चौका सहित आसपास के भर से अधिक गांव को यातायात सुविधा का लाभ मिलेगा। रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी ने कहा कि मैंने विधानसभा चुनाव से पहले चौका गांव के ग्रामीणों के इस स्थान पर ट्वाली लगाने का आश्वासन दिया था। भूमि पूजन के साथ ही चौका गांव के लिए की गई घोषणा साकार हो रही है, जिसके लिए सभी क्षेत्रवासियों को बधाई है। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस स्थान पर पुल निर्माण का प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। पूरी कोशिश करूंगा कि अपने कार्यकाल पूरे होने तक जो है इस पुल निर्माण की स्वीकृति का प्रयास सफल होगा। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। देखिए, जिला योजना में 25 लाख रुपया इस ट्रॉली के लिए स्वीकृत किया गया है और अनुमान है कि 10-11 लाख रुपए का और इस पे व्यय होगा, तो उसकी भी व्यवस्था कर दी जाएगी। और काफ़ी लंबे समय से चाका ग्राम लोगों की ये मांग थी कि यहाँ पर आवागमन की सुविधा उनको हो, और क्योंकि स्पान यहाँ पर बहुत बड़ा था तो उसको देखते हुए इसमें समय थोड़ा अधिक लग गया। लेकिन लागत जो जिला योजना के अंतर्गत 25 लाख की प्राप्त हुई है और कुछ पैसा कुछ कम पड़ेगा तो माननीय विधायक जी के अनुसार जो है इसमें किसी और मत से पैसा मिल जाएगा और हमें पूरी तैयारी और पूरा प्रयास करेंगे। हम मार्च से इसको कम्प्लीट करेंगे। विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आज हमारे लिए यह एक किसी त्योहार से कम नहीं है कि आज हमारे यहाँ ट्रॉली का उद्घाटन हुआ है और ट्रॉली लगने वाली है। और जैसे हमारे यहाँ आने जाने के लिए असुविधाएं थी, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे थे, जैसे कोई बीमार हो गया तो वो नहीं ला पा रहे थे, हम अच्छी सुविधाएं नहीं दे पा रहे थे, तो आज ट्रॉली लग गई है तो हमें बहुत खुशी हो गई है कि माननीय विधायक जी ने हमारी सुनी है। इससे पहले